सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वापस से लेके आई हूँ ह्यूमरस, अपने वो बोन सीरीज कंटिन्यू करते हुए। तो मैंने अभी तक से दो बोन्स कंप्लीट किए हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं तीसरे बोन पे आती हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन है हमारे आर्म रीजन का, वो है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस के बारे में बहुत सारा, मतलब ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि ह्यूमरस के बारे में कुछ ज़्यादा हमें पढ़ना है। सो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि इसे आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ह्यूमरस हमारा जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है, किसका? अपर लिम का। अपर लिम पोर्शन में जितने भी बोन्स है उसमें सबसे बड़ा बोन कौन सा है? ह्यूमरस है। हैज अपर एंड लोअर एंड एंड शेफ्ट। शेफ्ट को बोलते हैं, इस पोर्शन को शेफ्ट बोलते हैं। क्लेविकल में भी शेफ्ट हमने पढ़ा था। इस पोर्शन को हम शेफ्ट बोलते हैं, इसको हम लोग अपर एंड बोलते हैं, इसको हम लोग लोअर एंड बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा अपर एंड कौन सा लोअर एंड कौन सा? तो ये पहले इसका एनाटॉमिकल पोजीशन भी तो देखा था। तो देखिए, ये जो ऊपर में आपको गोल जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ग्लिनॉइड कैविटी से जाकर अटैच होता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो ये आपका हेड है, तो यहाँ पे ये ऊपर रहेगा, ठीक है? ये ऊपर रहेगा और ये इधर में रहेगा, मतलब मीडियल साइड में रहेगा। इतना तो समझ में आता है। अब कैसे पता चलेगा? हो सकता है हम लोग इसको ऐसे पकड़ लें। तो इसी वजह से यहाँ पे दो ट्यूबकल्स दिए हुए हैं, ये है लेसर ट्यूबकल और एक ग्रेटर ट्यूबकल, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस लेसर ट्यूबकल को, लेसर मतलब थोड़ा सा छोटा है ये देखने में, अगर आपको दिख रहा हो तो, थोड़ा सा छोटा है ये देखने में और ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए। तो ये जो है ना लेसर ट्यूबकल, इसको आपको आगे रखना है, एंटीरियर पोर्शन में रखना, और ये अपने आप आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये एंटीरियर में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है और ये वाला आपको इधर आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये चीज़ वैसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एनाटॉमिकल पोजीशन गलत है और ये एनाटॉमिकल पोजीशन इसका सही है। अब ये वाला नीचे का पोर्शन, अब इसको देखो तो नीचे का पोर्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए ट्रायंगुलर जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, ह्यूमरस है, क्योंकि इसका हेड अलग है फेमर से और ये वाला भी आपका नीचे का पोर्शन है ट्रायंगुलर जैसा। तो ये आपका ऐसे को पकड़ना है, ठीक है? ऐसे पकड़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे हमारा हाथ ऐसे रहता है, ऐसे पकड़ना है। तो ये चीज़ आपका एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया इसका, ठीक है? ये तो हो गया, जिसका अपर एंड कैसा राउंडेड है, लोअर एंड है ट्रायंगुलर और शेफ्ट है, ठीक है? अब देखिए, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो जो हेड है ये मीडियल साइड में है, ये अपवर्ड्स है, ऊपर तो है ही और थोड़ा सा पीछे है बैकवर्ड्स। ग्लिनॉइड कैविटी मैंने बताया, यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी मतलब स्कैपुला है, ठीक है? स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी है, स्कैपुला नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। वहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है, वहाँ पे ये जाकर इसको ऐसे करके अटैच होता है और यहाँ पे बनाता है कौन सा? शोल्डर जॉइंट, ठीक है? जिससे हम लोग इस चीज़ को मूव कर सकते हैं आर्म को। तो ये हो गया। एंड हेड हैज लेसर ट्यूबकल, इंटर ट्यूबकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव एंड ग्रेटर ट्यूबकल। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका लेसर ट्यूबकल है जो मैंने बताया, ये आपका ग्रेटर ट्यूबकल है, थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है ना वो चीज़, ये लेसर ये ग्रेटर, ये दिख रहा हो तो ये लेसर ये ग्रेटर और इसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा जैसा है, इसी को बोलेंगे इंटर ट्यूबकुलर सर्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। क्योंकि इंटर क्या हुआ, इंटर मतलब बिटवीन टू, ठीक है? तो बिटवीन टू है ये, तो ये इंटर ट्यूबकुलर सर्कस है या फिर इसको एक ग्रूव किसको बोलते हैं, जो एक तरह से गड्ढा टाइप्स होता है। तो ये आपका क्या बना रहा है? बाइसिपिटल ग्रूव, इसको दूसरा नाम दिया गया है बाइसिपिटल ग्रूव। तो ये हो गया। एंड ग्रेटर ट्यूबकल, तो जो लेसर ट्यूबकल है वो एंटीरियर साइड में रहता है और ग्रेटर ट्यूबकल आपका लेटरल साइड में रहता है, मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन के टाइम पे ही बता दिया था। अब देखिए, इसमें तीन नेक होते हैं, तो कौन कौन से नेक होते हैं? एक ये होता है एनाटॉमिकल नेक, ठीक है? ये वाला जो गोल पोर्शन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा आपको। ये जो गोल पोर्शन दिख रहा है ये एनाटॉमिकल नेक है, जो हेड को, ये वाला पोर्शन हेड है, ठीक है? तो हेड को बाकी अपर पोर्शन ऑफ शेफ्ट से, मतलब रेस्ट ऑफ अपर एंड से सेपरेट कर रहा है ये हेड, और इसके बीच में एक लाइन बना रहा है, ये आपका एनाटॉमिकल नेक। इंटर ट्यूबकुलर सर्कस हैज मीडियल एंड लेटरल लिप्स। अच्छा, पहले हम नेक के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे एक और नेक होता है सर्जिकल नेक, जो कि क्या होता है आपका, ये इसके अपर एंड ऑफ शेफ्ट के बीच का मार्जिन होता है एक तरह से। और फिर एक मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है जो कि 0.5 सेंटीमीटर अबव होता है सर्जिकल नेक के, तो सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर अबव होगा और ये बताता है कि यहाँ पे आपका एपिफाइजियल लाइन है, मतलब एपिफाइजियल लाइन मतलब वो वाला पोर्शन जो अभी भी ग्रो कर सकता है, वहाँ पे वो अभी भी कार्टिलेज का बना हुआ है, अभी भी वो ग्रो कर सकता है, पूरी तरह से ऑसिफाइड नहीं हुआ है। तो ये आपका एपिफाइजियल लाइन का लोकेशन बताता है कौन, मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो ये हो गया। अब इसके इंटर ट्यूबकुलर सर्कस के पास दो क्या है आपके लिप्स हैं। तो ये देखिए, ये जो इधर में आपको इसको आप ऐसे होल्ड करोगे, राइट, इसको ऐसे होल्ड करोगे तो ये वाला पोर्शन एक आएगा, ये वाला एक बॉर्डर आएगा, ये वाला एक बॉर्डर आएगा। तो ये वाला बॉर्डर थोड़ा सा मीडियल है, मतलब मीडियल के पास है, तो मीडियल है और ये वाला लेटरल है, मतलब मीडियल से दूर है। तो ये वाला आपका मीडियल लिप हो गया, ये वाला आपका लेटरल लिप हो गया, ठीक है? उसके बाद शेफ्ट में आ जाओ, तो शेफ्ट जो है वो राउंडेड ही ना रहा, दिख रहा है गोल गोल सा राउंडेड, और ट्रायंगुलर लोअर है, तो लोअर हम ये ट्रायंगुलर बन जाता है, ठीक है? हाँ, शेफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया विजय चौरसिया में और विश्राम सिंह में भी। थ्री बॉर्डर्स होते हैं, तो कौन कौन से तीन बॉर्डर होते हैं? तो पहले होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर, तो ये एंटीरियर बॉर्डर कौन सा बॉर्डर हो गया, जो कि आपका लेटरल लिप और बाइसिपिटल ग्रूव से निकलता है, तो ये वाला है लेटरल लिप, राइट, ये वाला आपका हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है? अब ये एंटीरियर इट फॉर्म्स एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इन मिडिल पार्ट। अब व्हाट इज डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर, या मतलब रफ जैसा स्ट्रक्चर, तो वो आपका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ये पोर्शन है, तो यहाँ पे ये आपका एंटीरियर मार्जिन बनाता है, मतलब देख रहे हैं आप ये वाला चीज़ इसके एंटीरियर में जा रहा है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर, एंटीरियर मतलब क्या होता है आगे, एंटीरियर में जा रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर मार्जिन बना रहा है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है? इन मिडिल पार्ट, तो ये मिडिल पार्ट में तो मैंने बताई दिया, और उसके बगल, अच्छा ठीक है, उसके बगल में एक रेडियल ग्रूव होता है, तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, इसके बगल में यहाँ से रेडियल ग्रूव पास होता है, चलो ठीक है। अब इसका दूसरा बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर जो है सिर्फ प्रोमिनेंट ओनली लोअर एंड, तो ये आपका लेटरल बॉर्डर, ठीक है? ये है आपका लेटरल बॉर्डर, क्योंकि लेटरल साइड में तो लेटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है? और ये वाला आपका मिडिल बॉर्डर, जो मिडिल साइड में, ठीक है?
तो प्रोमिनेंट ओनली इन लोअर एंड फॉर्म लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो यहाँ पे एक लेटरल एपिकोंडाइल होता है, उसके ऊपर में होता है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये जो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है ये लेटरल बॉर्डर ही बना रहा है, ठीक है। और जो मिडिल बॉर्डर है वो मिडिल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप ऊपर से देखा जाए तो ये जो मिडिल लिप है यहाँ से स्टार्ट होता है मिडिल बॉर्डर, फिर ये बीच से इधर में ये वाला को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे जा रही है, देखो, ठीक है। तो मिडियल लिप से शुरू हो रहा है और फिर नीचे जा करके मिडियल बॉर्डर बना रहा है, मतलब मीडियल लिप क्या बोल रहे थे हम, हाँ मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज बना रहा है। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल है तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसके तीन सर्फेसेस होते हैं, तो तीन बॉर्डर के बारे में बता दिया, एंटेरियर, लेटरल और मीडियल। और तीन सर्फेसेस होते हैं कौन कौन से, एंटेरो लेटरल, एंटेरो मीडियल एंड पोस्टेरियर। तो आप इसके बारे में पढ़ते हैं, एंटेरो लेटरल किसको बोलते हैं, बिटवीन एंटेरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स। तो ये देखिए एंटेरियर एंटेरियर आगे और लेटरल बॉर्डर्स, तो ये वाला जो ये है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला ये चीज़ आपका एंटेरो लेटरल सर्फेस। सर्फेस बॉर्डर समझते हो ना, सर्फेस एक प्लेन है, बॉर्डर है बस एक, मतलब उसका बाउंड्री है, मार्जिन है, ठीक है। तो ये एंट्रो लेटरल सर्फेस हो गया, ठीक है। इट हैज़ वी शेप डेल्टा ट्यूबरकल, देखो इसी को नीचे में जाएगा तो यहीं पे तो डेल्टा ट्यूबरकल है ना, वी शेप का, ठीक है। बिहाइंड डेल्टा ट्यूबरोसिटी, सॉरी ट्यूबरकल नहीं, ट्यूबरोसिटी है। बिहाइंड दैट डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी हैज़ अ रेडियल ग्रूव रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। तो देखो ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है, इसके बिहाइंड में ही, इसके बिहाइंड में यहाँ पे एक रेडियल ग्रूव जाता है। ग्रूव मतलब क्या होता है, गद्दा जैसा, वो गद्दा जैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, रेडियल ग्रूव जाता है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ये देखो यहाँ से करें, ठीक है, आगे जा रहा है, देखो ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स हो गया। अब एंटेरो मीडियल सर्फेस के बारे में बात करते हैं। तो एंटेरियर एंड मीडियल बॉर्डर से मिलकर के बनता है ये एंटेरियर एंड मीडियल बॉर्डर, इधर वाला पोर्शन है आपका क्या, एंटेरो मीडियल सर्फेस इधर वाला, ठीक है। अब इसका अपर पार्ट जो है नैरो है एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, क्योंकि यहीं पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है, यहाँ पे इसका फ्लोर, इसका ये नीचे वाला फ्लोर बना रहा है ना, इसका नीचे वाला फ्लोर बना रहा है। देखिए अब न्यूट्रल फोरामेन एट मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडिल पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पीछे में यहाँ एक छोटा सा फोरामेन होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल फोरामेन। तो न्यूट्रल फोरामेन जो है ये कहाँ पे होता है, मीडियल बॉर्डर बिलो इस मिडिल पार्ट। तो ये वाला आपका एंटेरो मीडियल सर्फेस है, ये वाला एंटेरो मीडियल सर्फेस है, इसके मीडियल, इसका ये मिडिल पार्ट के जस्ट बिलो में, मिडिल पार्ट के जस्ट बिलो में मीडियल बॉर्डर में, मिडिल बॉर्डर में मतलब ये इधर वाला आपका मिडिल बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे होता है छोटा सा, मतलब दिखेगा नहीं अच्छे से, छोटा सा वो फोरामेन जैसा होता है, मतलब हल्का सा डॉट जैसा होता है, मतलब ठीक है वहाँ से घुसती है न्यूट्रल फोरामेन, ठीक है, हो गया। और क्या बच गया, पोस्टेरियर सर्फेस के बारे में बताते हैं। पोस्टेरियर सर्फेस मतलब पीछे का सर्फेस, ऐसे समझ में आ ही रहा है। तो ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स के बीच में होता है। देखो यहाँ पे जो शेप है ना, ऐसे नहीं बोल सकते ये एंटेरियर सर्फेस है, पोस्टेरियर सर्फेस है, वो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये घुमावदार है, थोड़ा कर्व्ड है, थोड़ा कर्वी नेचर का ये, इसी वजह से हमारा जो कि एंटेरो लेटरल सर्फेस ये है, जो आगे भी है लेटरल साइड भी है, एंटेरो मीडियल सर्फेस ये है, और इसके बीच से जा रहा है जो हमारा ये कौन सा इंटरट्यूबुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव, ये भले ही आगे लेकिन देखिए कर्वी नेचर होते 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 पीछे बन जा रहा है। तो ये जो आगे से पीछे जा रहा है ना, ये पोस्टीरियर सर्फेस है इसका, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स, तो ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स के बीच से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन वो फिर पीछे चला जा रहा है, तो ये पोस्टीरियर सर्फेस बना रहा है। अपर पार्ट इज ऑब्लिक रिज, इसके अपर पार्ट में यहाँ पे देखिए ऑब्लिकली मतलब ऑब्लिक जा रहा है, तो ऑब्लिक रिज एंड मिडिल वन थर्ड क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव, और यहाँ पे मैंने बताया अगर रेडियल ग्रूव होता है तो उससे वो क्रॉस हो जाता है। तो ये हो गया इसके तीन सर्फेस के बारे में। अब इसका जो लोअर एंड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अपर एंड पढ़ लिया, लोअर एंड पढ़ लेते हैं। लोअर एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है ना, लेकिन होता है। तो लोअर एंड में क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट जो किसी ना किसी चीज़ से आर्टिकुलेट करेगा जाके, नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो किसी भी चीज़ से आर्टिकुलेट नहीं करेगा। तो आर्टिकुलर पार्ट में आता है कैपिटुलम। तो ये कैपिटुलम कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन है आपका कैपिटुलम, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये तुम्हारा आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस के साथ, ये रेडियस के साथ ये ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो ये हेड ऑफ रेडियस के साथ जाकर के आर्टिकुलेट करता है। ट्रॉकलिया, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डमरू जैसा थोड़ा सा पुली शेप है एक्चुअली, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्योंकि पुली से मतलब पुली का ऐसे मतलब उसका स्ट्रिंग जाता है ना, उसके शेप का जैसे दिख रहा है ना, तो ये जो है ट्रॉकलिया कहते हैं इसको, इसको ये वाला डमरू बोला, पुली बोला, जो भी बोला, ये इस पोर्शन को ट्रॉकलिया कहते हैं, इस पोर्शन को कैपिटलम कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटलम का लेटरल साइड में आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रॉकलिया जो है आर्टिकुलेट करता है ट्रॉकलिया नोच ऑफ अल्ना के साथ, तो अल्ना का ट्रॉकलिया नोच के साथ ही आर्टिकुलेट करता है। और मिडिल एज ऑफ ट्रॉकलिया प्रोजेक्ट डाउन 6 मिलीमीटर मोर देन लेटरल एज, दस फॉर्म कैरिंग एंगल। ये कैरिंग एंगल क्या बोला है, तो कैरिंग एंगल के बारे में बाद में अच्छे से बताया जाएगा, वो आगे में है वीडियो चौरासी के अगले मतलब 10th चैप्टर में आई गेस। तो देखो मिडिल एज जो है ट्रॉकलिया का, अब दिख रहा है आपको ये मिडिल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो ये मिडिल साइड है जो थोड़ा सा नीचे है, प्रोजेक्ट नीचे है, 6 मिलीमीटर नीचे है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, कैरिंग एंगल की फॉर्मेशन होती है, इसके वजह से कैरिंग एंगल बनता है, तो ये बस ध्यान में रखना। अब आ जाओ नॉन आर्टिकुलर पार्ट में, तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में है कौन कौन से, मीडियल एपिकोंडाइल, ये है आपका मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, जो कि सबक्यूटेनियस, मतलब हमें यहाँ पे फील करने पे पता चल जाएगा, बिलो द स्किन है, मतलब बिलो द स्किन तो सब रहता है, मतलब ठीक है हमें पालपेट करने पर आराम से पता चल जाएगा। लेटरल एपिकोंडाइल स्मॉलर देन मीडियल एपिकोंडाइल, तो ये लेटरल एपिकोंडाइल है जो कि थोड़ा सा छोटा है मीडियल एपिकोंडाइल से, ठीक है। उसके बाद लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, तो ये कौन सा, ये वाला रिज जो है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, तो ये वाला रिज का मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज है। उसके बाद कोरोनॉइड फोसा अबव ट्रॉकलिया, तो ट्रॉकलिया के जस्ट आगे में एक छोटा सा दिख रहा है आपको ये गड्ढा, तो ये कोरोनॉइड फोसा है, ठीक है।
तो ये कोरोनॉइड फोसा क्या करता है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ एकोमोडेट करता है व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड। तो अल्ना में कोरोनॉइड प्रोसेस होती है, तो जब एल्बो को हम लोग ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो जो अल्ना है उसका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो इस पे जा करके मतलब एकोमोडेट होता है। तो ये चीज़ है। अब रेडियल फोसा एवोफ कैपिटुलर, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे रेडियल फोसा है, तो यहाँ पे भी इसका नाम रेडियल फोसा क्यों है, क्योंकि एकोमोडेट करता है हेड ऑफ रेडियस के साथ व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड। तो एल्बो जैसे फ्लेक्स करेंगे तो रेडियस के हेड के साथ ये जा करके एकोमोडेट कर जाएगा। ओलिक्रोनन फोसा जो पीछे है, यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है ना, ये ओलिक्रेनन फोसा है जो कि ट्रॉकलिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब पीछे ट्रॉकलिया के पीछे वाले एस्पेक्ट पे जो उसके ऊपर जो फोसा है वो ओलिक्रेनन फोसा है। और ये ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ जाकर एकोमोडेट करता है जब एल्बो एक्सटेंड करते हैं, ना कि फ्लेक्स। अब एल्बो को क्या करें, एक्सटेंड कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, तब जाकर के वो क्या कर रहा है, ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ जाकर के एकोमोडेट कर रहा है। तो भाई सब खत्म हो गया फाइनली, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कंटेंट ऑफ इंटरट्यूबुलर सल्कस, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा भी लिख दिया यहाँ पे। तो इंटरट्यूबुलर सल्कस मैंने यहाँ पे जो बताया ना आपको, ये वाला इसके क्या क्या कंटेंट्स, इसमें क्या क्या पास होती है, तो पहले तो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी एंड इज साइनोवियल शीथ। तो ये वाला मैं आपको वो एनाटॉमी वाला ऐप में दिखा दूंगी, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जो बाइसेप्स का जो टेंडन है वो यहाँ से गुजर रहा होता है। उसके बाद असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफेरेंस ह्यूमरल आर्टरी, तो ये ह्यूमरल एंटीरियर सर्कमफेरेंस ह्यूमरल आर्टरी का असेंडिंग ब्रांच भी यहाँ से गुजरता है। तो ये दोनों इसका कंटेंट हो गया। अब कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं दिया था तो मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया से। तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन क्या होता है, ये मीडियल साइड में मतलब हमारे फ्लेक्सर के मसल्स के ओरिजिन होते हैं और लेटरल साइड में एक्सटेंसर के। तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन फ्रॉम विच सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म अराइज, तो फोर आर्म के जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हैं यहाँ से ही ओरिजिनेट करते हैं, इसलिए हम लोग कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन बोले इसको। और यहाँ से क्या है, लेटरल एंड से क्या होता है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है जहाँ से सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म अराइज करते हैं। तो और हाँ, सुपिनेटर्स भी अराइज करते हैं। तो ये हो गया फाइनल। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार इससे थ्री डी एनाटॉमी के एप्स। सो ये रहा आपका ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का ये जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबकल, ये मतलब लेसर ट्यूबकल। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है तो उसको क्रेस्ट बोल दिया, तो क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबकल, लेसर ट्यूबकल। और ये वाला भी क्रेस्ट ऑफ आपका ग्रेटर ट्यूबकल और क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबकल, ये सब चीज ठीक है। ये लेसर ट्यूबकल, सॉरी ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबकल, ये लेसर ट्यूबकल। और फिर यहाँ पे आके आपका उसी तरह से क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबकल एंड ग्रेटर ट्यूबकल, ये पूरे पोर्शन को ग्रेटर ट्यूबकल बोल दिए। बीच वाले को क्या बोल दिए, इंटर ट्यूबुलर सल्कस बोल दिए। ये वाला पोर्शन क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस। ये वाला जो लाइन है इसको मैंने क्या बताया था, एनाटॉमिकल नेक। ये वाला जो लाइन है इसको क्या बताया था, सर्जिकल नेक। इसे मॉर्फोलॉजिकल नेक नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाला जो है मैंने बताया था यहाँ पे है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये हो गया। उसके बाद ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये है आपका रेडियल ग्रूव जो कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे से गया है। तो ये आपको मैंने ये वाला दिखाया था ना, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो रेडियल ग्रूव, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं, ये वाला ट्रॉकलिया है, ये ट्रॉकलिया है, ये वाला कैपिटुलम है, ठीक है। ये वाला आपका मीडियल एपिकोंडाइल है, ये वाला आपका लैटरल एपिकोंडाइल, ये आपका मीडियल सुप्राकोंडाइल क्या है, रिज है। ये वाला लैटरल सुप्राकोंडाइल रिज है, ये कोंडाइल है ह्यूमरस का, मतलब ठीक है कोंडाइल से। यहाँ पे ये भी कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, रेडियल फोसा एंड इधर में आपका कोरोनॉइड फोसा। तो ये आपका कोरोनॉइड फोसा, ये आपका रेडियल फोसा, चलो ये तो हो गया ना पीछे। और इधर में आपका ओलिग्रेनन फोसा, ये भी आपका कोंडाइल। तो ये कोंडाइल में यहाँ पे कौन सा फोसा है, ओलिग्रेनन फोसा है। ये ग्रूव ऑफ अल्ना नर्व, यहाँ से अल्ना नर्व जाती है, हाँ ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अल्ना नर्व जाती है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना कि ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रूव बना हुआ है अल्ना नर्व के लिए। तो ये सब हो गया, बस इतना ही तो था। तो ये हो गया, अब हम लोग इसका मस्कुलर अटैचमेंट देखेंगे। तो अब हम इसका मस्कुलर अटैचमेंट देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मैंने बताया था ना, ये शोल्डर जॉइंट बनाता है, इसका जो हेड है, इसका जो हेड है ये यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ, देखो ये स्कैपुला है ना, ये वाला स्कैपुला है, तो इसके ग्लेनोइड कैविटी के साथ जाकर ये आर्टिकुलेट हो रहा है, ये शोल्डर जॉइंट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये कौन सा ट्यूबकल है, ये लेसर ट्यूबकल, राइट, आगे वाला पोर्शन लेसर ट्यूबकल, राइट, ठीक है। लेसर ट्यूबकल का जस्ट ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, अटैचमेंट होती है सब स्कैपुलरिस मसल की, ये ऐसे देखो सब स्कैपुलरिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपका सब स्कैपुलर फोसा ऑफ स्कैपुला से, एंड वहाँ उसके बाद कहाँ पे जाकर के इंसर्ट होती है, आपका सब यहाँ पे, ठीक है, सब स्कैपुलरिस मसल मतलब कि लेसर ट्यूबकल पे। उसके बाद देखो इधर में ग्रेटर ट्यूबकल का देख लो, ग्रेटर ट्यूबकल का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल है, देखो सुप्रास्पाइनेटस मसल जो पीछे से आ रही है ना, स्कैपुला के पीछे से बताया था ना, सुपरस्पाइनेटस फोसा से सुपरस्पाइनेटस मसल, वहाँ उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक छोटा सा इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से ऑफ स्कैपुला से आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेरिस माइनर मसल, जो इधर में आपको दिख रहा है, यहाँ टेरिस माइनर का ओरिजिन कहाँ पे है, स्कैपुला से है, और टेरिस माइनर का यहाँ पे इंसर्शन है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे देखो, सारे जो ब्लू वाले हैं ना वो इंसर्शन है, और जो रेड वाले हैं वो ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये वाला जो है, ये लैटिसमस डोर्साई का यहाँ पे क्या है, इंसर्शन। ये लैटिसमस डोर्साई मसल जब मैं दिखाऊँ तो ये बैक की मसल होती है, देखो कितनी बड़ी मसल है, उसकी यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, ठीक है, लैटिसमस डोर्साई, समझ में आ गया। उसके बाद ये वाली टेरिस मेजर की यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, देखो टेरिस मेजर का ओरिजिन कहाँ से होता है, स्कैपुला से ही होता है। टेरिस माइनर का भी ओरिजिन कहाँ से होता है, स्कैपुला से ही होता है, और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, ह्यूमरस में हो रहा है, ठीक है, लेसर ट्यूबकल में। उसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर आएगी, देखो पेक्टोरलिस मेजर का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, तो ये वाला है आपका पेक्टोरलिस मेजर, पूरा वहाँ पे जाकर के इंसर्शन हो रहा है, ठीक है।
ये तो समझ में आ गया ऊपर वाला सारा पोर्शन छूटा क्या नहीं। अब पीछे में ये देख लो यहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है लेटरल हेड ऑफ किसका, ट्राइसेप्स पे, ट्राइसेप्स है ये, पीछे ट्राइसेप्स होता है, आगे बाइसेप्स होता है, तो यहाँ पे आपका लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर में ये वाला, यहाँ पे क्या था, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी था, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल आएगा, तो मतलब इंसर्शन हो रहा है डेल्टॉइड मसल का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आगे आ जाओ नीचे वाले पोर्शन में, तो ये ब्रैकियलिस मसल है, ब्रैकियलिस मसल है, ठीक है, जो बाइसेप्स के जस्ट नीचे में होती है, तो ब्रैकियलिस मसल है ये, इसका यहाँ ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पीछे से देखो तो यहाँ पे ट्राइसेप्स का मीडियल हेड का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लेटरल हेड ऊपर था, चलो ये समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पे छोटा सा दो दिख रहा है, ये सब किसका है, देखो ब्रैकियो रेडियलिस का, जो ब्रैकियो रेडियलिस दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है ब्रैकियो रेडियलिस, तो ये यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और ये वाला एक मिनट, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, देखो ऐसा, ये हो गया। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा वाला, कौन सा ये होगा, कॉमन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है, तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा होगा, कॉमन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, तो ये वाला आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल्स दिखा रहे हैं, सुपरफिशियल मसल्स, चलो ठीक है। इसके ऊपर में आपको दिख रहा है ये वाला छोटा सा, ये है प्रोनेटर टेरिस मसल का ओरिजिन, तो ये आपको दिख रहा है यार, प्रोनेटर का टेरिस का ओरिजिन है ये, प्रोनेटर टेरिस का, चलो ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ बचा क्या, हाँ यहाँ पे छोटा सा और बच गया पीछे में, पोस्टीरियर सरफेस में एंगोनियस मसल, ये एंगोनियस मसल का यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, ये भी दिखाई देती है, तो ये देखो ऐसे एंगोनियस मसल छोटी सी होती है, ये पोस्टीरियर, ये लेटरल सरफेस है ना, लेटरल साइड का पोस्टीरियर, लेटरल बॉर्डर मतलब लेटरल साइड के पोस्टीरियर पार्ट पे इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है छोटा सा एंगोनियस का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा खत्म, रेडियस मतलब कि ह्यूमरस, ह्यूमरस पूरा का पूरा खत्म हो गया। हाँ एक और चीज़ छोटा सा बच गया यहाँ पे, ये वाला कोरेको ब्रैकियलिस मसल, तो कोरेको ब्रैकियलिस मसल का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, ये ऐसा होता है। तो कोरेको ब्रैकियलिस मसल जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोरेको एक प्रोसेस है, इसलिए तो उसका नाम कोरेको ब्रैकियलिस है, और ये तुम्हारा आम को ब्रेकियम बोलते हैं ना, तो ये तुम्हारा आम पे जा रही है, तो कोरेको ब्रैकियलिस होगी, तो कोरेको ब्रैकियलिस का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ तो आई थिंक सब कंप्लीट हो गया, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, और अब अगले पार्ट पे रेडियस अल्ना वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगी, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मतलब मेक मोर एंड मोर वीडियोज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू दिस।